हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके क्वेश्चन, जो कि आपके प्लांट क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि स्टेमन में क्वेश्चन कैसे होता है। स्टेमन क्या है आपका, किसका पार्ट है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी स्टेमन की स्ट्रक्चर होती है, पुतंतु किस तरह से जुड़ते हैं, या फिर आपके जो पराकुश होते हैं वो कैसे संयुक्त होते हैं, इसकी विभिन्न टाइप भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम स्टेमन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टेमन की स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टेमन है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं। इसमें आपको तीन स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। एक होता है फिलामेंट, ओके, पुतंतु जिसे हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है एंथर्स, और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो स्थान होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं या फिर योजी ऊतक कहते हैं, जो दोनों को कनेक्ट करके रखेगा। तो योजी ऊतक यहाँ पे होता है। अब एंथर्स को अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में अंदर जाएंगे, उसकी टी एस या फिर एल एस काट के देखेंगे, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें आपको पोलन सैक यानी कि परागधानी दिखाई देंगी, ठीक है। और इन परागधानी में आपके क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे परिपक्व होके इसकी फूटने पर, ठीक है, फूटने पर ये मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेमन से, अब देखिए, या तो आपके फिलामेंट वाला पोर्शन है ये जुड़ सकता है, या फिर आपके पराकुश है ये जुड़ सकता है, या फिर फ्री रह सकता है, या फिर दोनों पार्ट जुड़ सकते हैं। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम स्टेमन का कोहेजन देखने वाले हैं, इसे ही कोहेजन कहते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है मोनो एडल्फस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं एक संगी। तो इसमें देखिए, इसके एग्जाम्पल होता है मालवेसी फैमिली, जिसमें आपके क्या आती है, कपास आती है और गुड़हल आती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का फूल है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, पुतंतु हैं सारे एक संघ का निर्माण करते हैं, सारे पुतंतु एक नली नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक संघ का क्रिएशन करेंगे, ठीक है, सारे आपके फिलामेंटस मिलके। तो इस एक संघ का निर्माण करने से इस पोजीशन को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को मोनो एडल्फस। तो कोहेजन की मोनो एडल्फस स्टाइल आपको मालवेसी कुल में देखने को मिलेगी। तो ये आपका कौन सा कुल, कौन सा फूल हुआ, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का, मालवेसी में कोहेजन की मोनो एडल्फस कंडीशन मिलेगी। दूसरा डाईएडल्फस, इसका एग्जाम्पल है पाइजन सेटावा मटर, और इसमें क्या होता है, देखिए मोनो में एक संघ का निर्माण हुआ था, इसमें दो संघ का पुतंतु आपके जो फिलामेंट वाला पोर्शन है वो आपस में जुड़ के दो संघों का निर्माण करते हैं। तो वो देखिए डायग्राम में देखिए, तो ये डाईएडल्फस कंडीशन है। तो देखिए, ये पुतंतु वाला पोर्शन था और ये एक संघ ये बन गया, दूसरा संघ ये बन गया, और दोनों अलग अलग हैं, इसलिए से द्विसंगी या फिर डाईएडल्फस कंडीशन कहते हैं, ओके। थर्ड आता है पॉलीएडल्फस, जिसमें कई सारे फिलामेंटस मिलके दो से ज्यादा आपके संघों का निर्माण कर लेते हैं, उसे पॉलीएडल्फस कंडीशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, सिट्रस वंश की जो जातियां हैं, चाहे वो नींबू में हो या फिर और कोई प्लांट में आए। तो यहाँ पे देखिए, दो से ज्यादा आपको संघ देखने को मिल रहे हैं। ये पुतंतु वाला पोर्शन था और ये जुड़ के इसने एक संघ, नंबर वन, दूसरा संघ ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो आपके दो से ज्यादा संघों का क्रिएशन कर दिया, इसे पॉलीएडल्फस कंडीशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं सिनेजेनेसिस कंडीशन, तो इसका एग्जांपल है कंपोजिटी कुल आपका, जिसमें आपके हेलियंथस यानी सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उसमें आपके मेल पार्ट में ये सिनेजेनेसिस कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अलग ही स्टेप आता है, अलग ही स्टेज देखने को मिलती है, अलग ही फॉर्म देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो पराकुश वाला पोर्शन है वो जॉइंट हो जाएगा, जबकि फिलामेंट है वो कैसे होते हैं, फ्री रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्री फिलामेंट है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा था, फिलामेंट वाले पोर्शन ज्वाइंट हो रहा था और वो एक संघ बना रहा था, दो संघ बना रहा था, दो से ज्यादा संघ बना रहा था, लेकिन अब की बार फिलामेंट वाला पोर्शन है वो टोटली फ्री है, जबकि जो एंथर है, पराकुश है, जिसमें आपके लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिसमें आपके क्या रहते हैं, पराकण रहते हैं, वो वाला पोर्शन ज्वाइंट हो गया है। ये आपके मिलेगा कंपोजिटी कुल या फिर हेलियंथस सूरजमुखी के फॉलोवर में। सिनेजेनेसिस के बाद में सिनेंड्रस की कंडीशन आती है, इसमें देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है आपका रस्कस, और इसमें क्या होगा, इसमें आपके एंथर भी फ्यूज हो जाएंगे और फिलामेंट वाला पोर्शन भी फ्यूज हो जाएगा, तो दोनों पोर्शन फ्यूज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हम सिनेंड्रस कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए, फिलामेंट भी फ्यूज हो गए और एंथर भी फ्यूज हो गए, इसे बोलेंगे अब सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ कोहेजन। तो कोहेजन की ये पांच कंडीशन है, जिसमें हमने पुतंतु एक साथ
मिलकर एक संकर निर्माण करें उसे मोनोएडल्फस, अगर दो संकर निर्माण करें उसे डाइएडल्फस, दो से ज़्यादा संघों का क्रिएशन हो रहा है उसे पॉलीएडल्फस। सेरेंजेनेसिस में क्या होगा, आपके फिलामेंटस फ्री होते हैं जबकि पराकुश वाला पोर्शन है वो ज्वाइंट हो जाता है। सिलेंड्रस में आपके फिलामेंट भी फ्यूज होंगे और पराकुश भी फ्यूज होंगे। तो ये आपके हो गया कोहेसन। आपके प्लांट जो क्लासिफिकेशन होते हैं फैमिली में, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा, इफ एनी प्रॉब्लम कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम और भी कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स।